ओके, सो इस भगवत गीता अ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं जो वैदिक टेक्स्ट हैं, देखिए हैं क्या है। वेल, इट्स अ पार्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। तो ये जो शब्द है माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी शब्द, ये वैसे कहीं किसी ट्रांसलेशन में नहीं लिखा हुआ। बेसिकली हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, दे आर लाइक वैदिक हिस्ट्री एंड इट्स अ एंशिएंट हिस्ट्री, इट्स वंडरफुल हिस्ट्री एंड विच इज हैविंग टाइमलेस विजडम एंड टाइम टेस्टेड विजडम। सो इट इज नॉट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, पर कुछ लोग बोलते हैं वेल इट्स अ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, यू नो। अच्छा, ये कहां से आया भला? ये अंग्रेजों ने ये टर्म कॉइन की, माइथोलॉजी। वेल इट्स पार्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। नो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। इन फैक्ट देयर आर पीपल हु क्लेम टू बी माइथोलॉजिस्ट, व्हिच इज क्वाइट शेमफुल, कि वो शास्त्रों के ऊपर कॉमेंट भी करते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, एंड देन दे क्लेम टू बी माइथोलॉजिस्ट, कि ये तो मेरी रियलिटी है, ये तुम्हारी रियलिटी नहीं, पर ये नहीं मेरी रियलिटी है। दैट्स अ वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, पर लेकिन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट अफोर्स इट इज नॉट। अफोर्स नोबडी वुड से कि क्या ये बाइबल एक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट? नो नो, 2000 साल पहले तो हुआ है भैया सब कुछ, माइथोलॉजी थोड़ी अभी 2000 साल पहले हुआ है। अच्छा, कुरान इज माइथोलॉजी? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी 1400 साल पहले तो हुआ है सब कुछ, 1400 ईयर्स अगो, इट इज नॉट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब इज इट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे अभी 600 साल पहले तो हुआ है सब कुछ। ओह, अच्छा 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 अच्छा, ये बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं? नहीं, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो नॉट माइथोलॉजी, 2500 साल पहले की तो बात है ये। क्या ऐसा कोई मतलब कोई रूल बना हुआ है कि 2500 साल पहले की जो चीजें हैं उनको माइथोलॉजी मानेंगे और 2500 साल पहले की बात की जो बातें हैं उनको माइथोलॉजी नहीं मानेंगे? क्या ऐसा कोई रूल किसी बादशाह ने तय किया हुआ है कि भगवद गीता 5000 साल पहले बोली गई थी? वेल, इट्स पार्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, और 2500 साल के बाद की बातें, वेल दैट्स नॉट माइथोलॉजी, दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल।